हेलो एवरीवन, और आज की क्लास आप फेलो ट्रैवलर से स्टार्ट होगी। चैप्टर सेकंड है आप फेलो ट्रैवलर, रिटन बाय एजी गार्डनर। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, अ गर्ल विद अ बास्केट। उसके पैसेज, एक्सप्लेनेशंस और वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप वो चैप्टर आप लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। और जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है, तो जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है 12th क्लास का, तो उस पर मैं अभी एक या दो दिन के अंदर मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा कि आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट कब होना है। तो आप अपने फर्स्ट चैप्टर की पूरी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप चाहते हो कि आप भी बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करें, ये लॉकडाउन लगा हुआ है, इस लॉकडाउन की वजह से आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन ख़राब हो गई है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है, और आने वाले टाइम में भी जून जुलाई अगस्त तक मान के चलिए स्कूल खुल पाएंगे, कोचिंगें खुल पाएंगी, तो इस लॉकडाउन में आपको ऑनलाइन क्लास की फैसिलिटी मिल रही है। तो इस क्लास के माध्यम से आप अपने बोर्ड परीक्षाओं की प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आप बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करें, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में हम आपको डेट बता देंगे किस डेट को आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस को देख कर पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा परफॉर्म बोर्ड परीक्षाओं में कर सकते हो, और आपकी जो कमी है उस कमी को हम दूर करेंगे ताकि वो मिस्टेक आप बोर्ड एग्ज़ाम में करने से बचे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आए। और जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पे जाकर YouTube पे कमेंट बॉक्स पे जाकर अपने मोबाइल नंबर को मेंशन कर दीजिएगा, हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास। इसमें इस पूरे चैप्टर में टोटल 7 पैराग्राफ है। आज हम आपको केवल यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ ही बताने जा रहे हैं, और 3 क्लास में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले अबाउट द ऑथर, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि ऑथर के किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके ऑथर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑथर के बारे में अगर नहीं जानते हम और चैप्टर के बारे में नहीं जानते हम, तो बहुत सारी चीज़ों को हम मिस कर देते हैं। क्योंकि ऑथर की नॉलेज, ऑथर के बारे में जानना और चैप्टर के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन बनाते समय ये सब चीज़ें हमारी काम में आती हैं। ठीक है, तो ऑथर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द ऑथर। एजी गार्डनर वॉज ए ग्रेट एसिएस्ट। एजी गार्डनर एक महान निबंधकार थे। ऐसे मीन्स निबंध होता है, एसिएस्ट मीन्स निबंधकार। ही वॉज बॉर्न इन चेम्सफोर्ड इंग्लैंड इन 1865। इनका जन्म इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में 1865 में हुआ था। सम ऑफ हिज ग्रेट एसेस आर, इनके जो इन्होंने ऐसे लिखे उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से, वो है पीबल्स ऑन द शोर जो उन्होंने 1917 में लिखा था, लीव्स ऑन द विंड जो उन्होंने 1920 में लिखा था, एंड विंडफॉल्स जो उन्होंने 1920 में लिखा था। ही रोट हिज एसे अंडर द पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लो। ही डाइड इन 1946। इन्होंने अल्फा ऑफ द प्लो उपनाम से अपने निबंध लिखे। इनकी मृत्यु 1946 में हुई थी। यानी कि जो ऑथर थे वो महान निबंधकार थे, उनको निबंध लिखने का बहुत शौक था, और इंग्लैंड में पैदा हुए थे, और 1865 में पैदा हुए थे, 1946 में वो मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। और 3 महत्वपूर्ण ऐसे जो उन्होंने लिखे हैं, पीबल्स ऑन द शोर, लीव्स ऑन द विंड एंड विंडफॉल्स, ये इनके महत्वपूर्ण ऐसे हैं। ठीक, अब चलते हैं थीम ऑफ द चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में किसके बारे में बताया है। तो देखिए, द एसे अ फेलो ट्रैवलर कैप्चर द डिटेल ऑफ द ऑथर्स ट्रेन जर्नी विद अ फेलो ट्रैवलर। फेलो ट्रैवलर यानी कि सहयात्री, जो ब्रैकेट में लिखा है मॉस्किटो, मॉस्किटो मीन्स होता है मच्छर। यानी कि निबंध अ फेलो ट्रैवलर, लेखक के उसके सहयात्री यानी मच्छर के साथ होने वाली रेल यात्रा का वर्णन करता है। यानी कि इस चैप्टर में उस बात का वर्णन किया गया है जब राइटर जो है
रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट में, रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो उनको पता नहीं था कि पहले से ही एक उनका मित्र सहयात्री भी उनके साथ में यात्रा कर रहा है, जिसने लेखक को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, जो कौन था, मॉस्किटो, मच्छर था। द ऑथर वॉज इनिशियली डिस्टर्ब्ड बाय द मॉस्किटो एंड ट्राइड टू किल इट। लेखक मच्छर के कारण बहुत परेशान हुआ और उसने उस मच्छर को मारने का प्रयास किया, बहुत कोशिश की उस मच्छर को मारने की, बट इट डॉट गेज ऑल हिज अटैक, परंतु वे मच्छर उसके यानी कि लेखक के सभी वार से बच निकला। डॉट गेट माने बच निकलना, है ना, अटैक माने वार, उसके सभी वार से बच निकला। लेटर ऑन, बाद में, डेवलप द शॉर्ट आर डिस्टेंटलेशन विद हिम एंड रिगार्ड हिम आ फेलो हॉनर्स ह्यूमरस लैंग्वेज। और बाद में वह मच्छर के प्रति इसने विकसित करता है और उसके साथ एक दूर का संबंध मानता है और उसे एक नश्वर साथी मानता है। इस प्रकार ये निबंध सरल तथा हास्य यानी कि हंसी मजाक से भरा हुआ है। ये था हमारा चैप्टर के बारे में, ठीक है, यानी कि याद लेखक और एक मच्छर की कहानी है इसके अंदर। अब स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ फर्स्ट। आई डोंट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरिज फर्स्ट। नो का मतलब जानना, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं जानता हूँ कि हम में से कौन गाड़ी के डिब्बे में पहले आया। Indeed, indeed माने होता है वास्तव में, indeed I did not know he was in the carriage। वास्तव में मुझे कुछ समय तक ये ज्ञात नहीं था कि वे गाड़ी में है। At all for some time, कुछ समय तक। It was the last train from London to a midland town। ये लंदन से मध्यवर्ती कस्बे तक जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी थी। A stopping train एन इन्फिनेटली लेश्योरली ट्रेन, स्टॉपिंग ट्रेन का मतलब रुक रुक कर चलने वाली, इन्फिनेटली इन्फाइनेटली लेश्योरली अत्यंत धीमी गति से चलने वाली एक ऐसी रेलगाड़ी थी। वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी। ये लंदन से मध्यवर्ती कस्बे तक जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी थी। ये प्रत्येक स्टेशन पर रुकने वाली अत्यंत धीमी गति से चलने वाली एक ऐसी रेलगाड़ी थी जो आपको अनंत काल का बोध कराती है। इटर्निटी मीन्स अनंत काल तक बोध कराती है। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। जब ये चली तब ये ठीक ठाक भरी हुई थी। टॉलरेबली मीन्स होता है ठीक ठाक, ठीक ठीक ठाक भरी हुई थी। But when it started, but as we stopped at the suburban station, the traveler alighted in once and cheers and why the train we had left the outer ring of London behind. I was alone, or rather I thought I was alone. परंतु जैसे जैसे हम नगर के बाहरी स्टेशनों पर रुकते गए, यात्री एक एक दो दो करके नीचे उतरते गए तथा लंदन की भारी सीमा को छोड़ने के समय तक मैं अकेला था। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था, और रादर आई टच आई वॉज अलोन, या ये समझिए कि मैंने मान लिया कि मैं अकेला था। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपकी इस पैराग्राफ से रिलेटेड ये आपके वर्ड मीनिंग है। कैरेज माने गाड़ी होती है। इंडीज रियली यानी कि वास्तव में, लेश्योरली धीरे धीरे, इटर्निटी अनंत काल यानी कि अंत तक चलने वाली, टॉलरेबली ठीक ठाक, अलाइचेज नीचे उतरा। पैराग्राफ और पैराग्राफ के अंदर जो टॉप वर्ड होते हैं, अगर आप वो वर्ड अच्छे से लंग कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको पैसेज बनाने से और जो 4 मार्क्स के जो वर्ड मीनिंग
idiom phrase वगैरह जो आते हैं फर्स्ट पेपर में उसको करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। बट लर्निंग करना आपका काम है, समझाना हमारा काम है। जो चीज़ नहीं समझ में आए कमेंट के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं, बट स्टडी कीजिए क्योंकि स्टडी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्लास पसंद आए तो उन स्टूडेंट तक ये क्लास ज़रूर पहुँचाना जो इस लॉकडाउन के चलते अपनी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। स्टार्ट करते हैं अपना पैराग्राफ सेकंड, और सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है देखिए। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस, देयर इज अ प्लीजेंट sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily toward the night। यानी कि मैं रात्रि में शोर मचाती हुई व झटके लेकर चलती रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने की स्वतंत्रता का एक सुखद अनुभव होता है। It is liberty and unrestraint in a very agreeable फॉर्म। आप जो भी चाहो कर सकते हो, यानी कि ये अत्यंत सुहावनी स्वतंत्रता तथा स्वच्छता होती है। आप जो चाहो वो करो, यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, जो आपको पसंद हो आप वो करें। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप खुद से बातें करें, एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू। आप चाहे जितनी तेज आवाज में खुद से बातें करें, आपको सुनने वाला कोई नहीं है। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जॉन्स एंड रॉयल हेम कंप्लीटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक। जॉन्स यानी कि एक काल्पनिक व्यक्ति से तर्क वितर्क आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं और बिना किसी विरोधाभास के सफलतापूर्वक उसे धूल चटा सकते हैं। You can stand on your head, आप अपने सिर पर खड़े हो, सिर के बल खड़े हो सकते हैं, and no one will see you, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है। You can sing or dance, आप गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। A two step, दो पैरों पर, और practice a golf stroke, और गोल्फ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्ले मार्बल ऑन द फ्लोर, और फर्श पर कंचे खेल सकते हैं, विदाउट लैच और हिंड्रेंस, बिना किसी से छुपे और डरे हुए। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, आप बिना किसी विरोध के खिड़की को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, या आप दोनों खिड़कियों को खोल या बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं, और शट बोथ, और दोनों को बंद कर सकते हैं एक साथ। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ शॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, वास्तव में आप खिड़कियों को खोलते या बंद करते समय एक प्रकार का स्वतंत्रता समारोह मना सकते हैं। You can have any corner you choose and try off all them in turn. आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी कोने में बैठ सकते हैं और बारी बारी से सभी का प्रयोग कर सकते हैं। You can lie a full length on the cushion, and cushion means तकिए, and enjoy the luxury of breaking the regulation and possibly the heart of Dora herself. और बारी बारी से सभी का उपयोग कर सकते हैं। आप गद्दों पर, क्वेश्चन मीन्स गद्दे, आप गद्दों पर पूरे फैल कर लेट सकते हैं तथा ब्रिटिश राज्य के सुरक्षा अधिनियम जिसको डोरा बोलते हैं का भी उल्लंघन कर सकते हैं, उसके रूल ऑफ रेगुलेशन को भी तोड़ सकते हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो, केवल इस बात की जानकारी डोरा को नहीं होगी। डोरा जो ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश राज्य का एक सुरक्षा अधिनियम है, तो डोरा विल नॉट नो, सिर्फ डोरा को इसकी जानकारी नहीं होगी, डैट हर हर्ट इज ब्रोकन, कि उसका दिल तुमने तोड़ा है। यू हैव स्केप इवन डोरा, और आप इस अधिनियम डोरा से भी बच
निकले हैं। आइए नेक्स्ट चैप्टर पे। ये हमारा पैराग्राफ सेकंड पूरा कंप्लीट हो गया है, राइट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पैराग्राफ पे। पैराग्राफ थर्ड। ऑन दिस नाइट, उस रात, I didn't do any of these things. मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। They didn't happen to occur to me. वे बातें मेरे मन में भी नहीं आई। What I did was much more ordinary. जो कुछ भी मैंने किया वह बहुत साधारण था। When the last of my fellow passenger had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री उतर गया, I put down my paper, put down माने लेना, हाथ में लिया, I put down, put माने रखना होता है, down माने नीचे, put down, I put down my paper, तब मैंने अपने समाचार पत्र को नीचे रख दिया, stretch my arms and my legs, तथा अपने हाथों एवं पैरों को फैलाकर अंगड़ाई ली, stretch अपने हाथ पैरों को अंगड़ाई ली, खींचा, my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, nothing the pale reminiscence of the dead still lingered in the northern sky. तथा खड़े होकर खिड़की से बाहर ग्रीष्म ऋतु की शांति रात्रि को देखा जिसमें मैं यात्रा कर रहा था मैंने दिन की धुंधली होती रोशनी अर्थात संध्या काल को देखा जो उत्तरी आकाश में जाते हुए रुक रही थी और गाड़ी के डिब्बे के एक छोर से दूसरे छोर तक गया तथा खिड़की से बाहर देखा। लिंगर मीन्स होता है रुकना, रुक रही थी या ठहरी, ठीक है। इन द नॉर्दर्न स्काई, क्रॉस द कैरेज एंड लुक आउट ऑफ द अदर विंडो, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक गया, लुक आउट ऑफ द अदर विंडो, दूसरी खिड़की पर जाके देखा, लेट अ सिगरेट, सिगरेट जलाई, सैट डाउन, बैठ गया एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से अखबार पढ़ने लगा। इट वॉज देन डैट आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, इतने में ही मुझे ये पता चला, मुझे अपने सहयात्री के बारे में पता चला कि मेरे अलावा कोई और भी है जो इस रेल के डिब्बे में यात्रा कर रहा है। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वो आया और मेरी नाक पर आकर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोस विंगी निपी इंटरपिट, तो पहले विंगी निपी इंटरपिट का मतलब समझिए। निपी मीन्स होता है चुभने वाला, यानी कि शार्प, चुभने वाला। इंटरप्रेट मीन्स होता है निडर, साहसी, ठीक है। और विंगी मीन्स चपटा, चपटा। तो विंगी निपी एंड इंटरप्रेट, इंसेक्ट मीन्स कीड़ा, दैट वी कॉल वैगुली, वैगुली मीन्स होता है अनिश्चित ढंग से, जिसका कोई आकार ना हो, अनिश्चित ढंग से। मॉस्किटोस मीन्स मच्छर, ठीक। मैंने वे उन पंख वाले पैने साहसी कीट पतंगों में से एक था जिसे हम मच्छर कहते हैं, क्या कहते हैं, मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, फ्लिक ऑफ मीन्स होता है हटा देना या उड़ा देना। आई फ्लिक हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक के ऊपर से हटा दिया। एंड ही मेड ए चूर ऑफ द कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेट इट्स थ्री डायमेंशन, विजिटेड ईच विंडो, और उसने पूरे डिब्बे के तीनों बीमाओं, यानी कि थ्री डायमेंशन, तीनों बीमाओं का जायजा लेने के लिए एक चक्कर लगाया। प्रत्येक खिड़की पर गया, इन्वेस्टिगेट, प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया, फ्लटर्ड माने फड़फड़ाना, राउंड द लाइट, प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया, यानी कि बल्ब लगा हुआ था कंपार्टमेंट में, डिब्बे में, उसके चारों ओर वो घूमा, फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट
large animal in the corner came and had a look at my neck. और उसने निश्चय किया कि वहाँ कोने में बैठे उस विशाल प्राणी यानी कि लेखक से मनोरंजक कुछ भी नहीं था. वह आया और मेरी गर्दन को ध्यानपूर्वक देखने लगा. केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक. ये हमारे थर्ड पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया. इस थर्ड पैराग्राफ की यहाँ पे हिंदी दी हुई है. जिन बच्चों को हिंदी चाहिए वो यहाँ से नोट कर सकते हैं. जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. क्लास पसंद आए तो उन स्टूडेंट तक क्लास को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा जो इस लॉकडाउन के चलते अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी या अपनी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं. इसकी हिंदी नोट कर लीजिए. उसके बाद में इस पैसेज से रिलेटेड जो भी टफ मीनिंग है तो वो मीनिंग नीचे दिए हुए है वो भी हम आपको अभी बताते हैं. बराबर से बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे टाइमली. नोट हो गया. अब देखिए ये इम्पोर्टेंट मीनिंग है. अकर अकर मीन्स कम टू वंस माइंड यानी कि अकर मीन्स होता है प्रकट होना या ध्यान में कोई चीज़ आना ध्यान में आना. पेल धुंधली धूल होती है धूल से भरा हुआ मौसम धुंधली. रेमनी सेंस याद करना स्मरण. लिंगर्ड ठहरी हुई या रुकी रही थी. निपी चुपने वाला. इंटरप्रेट निडर साहसी. वैगली अनिश्चित ढंग से. फ्लिक्ड ऑफ चुटकी से हटा दिया. इन्वेस्टिगेट जायजा लेना. फ्लटर्ड फड़फड़ाना. राइट तो हमारे ये थर्ड पैराग्राफ पूरे कंप्लीट हो गए हैं. अब फोर्थ पैराग्राफ नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे. तब तक आप इन फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों पैराग्राफ को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा. ओके गाइस टेक केयर बाय बाय.